कुछ चीजें कभी बदलती नहीं है, उसमें पाकिस्तान की फील्डिंग, पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप का कोलैप्स हमेशा से वही रहता है। हर साल यही कहानी है और हर मैच की यही दास्तान है, और यही वजह है कि जो मैच पाकिस्तान का होना चाहिए था, जो खुशियां पाकिस्तानियों के चेहरे पर आनी चाहिए थी, जो कैप्शंस बनने चाहिए थे कि पाकिस्तान इज बैक इन वर्ल्ड कप विद बैंग, जो मुस्कुराहट पाकिस्तानियों को दिखनी चाहिए थी, जो अंक तालिका में नंबर पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, वो सारे चले गए ऑस्ट्रेलिया खाते में। और ऑस्ट्रेलिया एक माइटी जॉइंट की तरह वर्ल्ड कप में अपने आगाज की दस्तक दे चुकी, और मैथ्यू हेडन ने इसी वजह से कह दिया कि जी ऑस्ट्रेलिया इज बैक, ऑस्ट्रेलिया इज बैक, क्योंकि पाकिस्तान से जीत देखी नहीं जाती। वो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि यार हमसे उम्मीद कर रहे हो, आई मीन हमसे, लिटरली हमसे उम्मीद कर रहे हो, हम तो डिसअपॉइंट करने में मास्टर हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इस मैच में हार हो गई है, ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से पाकिस्तान को हरा दिया है। और सवाल यहां बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या बाबर आजम एक औसत कप्तान है, इसके साथ ही क्या बड़े मैचेस में वो एक औसत बल्लेबाज है। आप सोचेंगे उनकी बैटिंग को लेकर मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी तुलना विराट कोहली से की जाती है, और विराट कोहली वो शख्स है जो कहता है जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, इंडिया के 2-3 विकेट गिर गए थे, इंडिया पैनिक कर रही थी, विराट कोहली आए अपने दम पर उस मैच को जिता कर गए। बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस इंसान विराट कोहली बनता है। बाबर आजम भले दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी होंगे, भले स्टैट में वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रन बना लेते होंगे, लेकिन अगर उन पर तबका लगता है जिम मॉम्बर का, अगर उन पर तबका लगता है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि आज मौका पाकिस्तान के पास था, जो स्टार्ट मिला था, जो मौका था, अगर बाबर आजम उसको भुनाते और यहां से पाकिस्तान को दीद जलाते तो उनकी तुलना उन बल्लेबाजों में होती जिन्हें महान बल्लेबाजों में कहा जाता है। लेकिन बाबर आजम हर बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप होते हैं, एशिया कप 2022, एशिया कप 2023, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप, कहीं रन नहीं बना पाते, किसी भी बड़े मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं सिवाय छोटी टीमों के। कोई प्रेशर मैच डाल दीजिए बड़े टूर्नामेंट में, बाबर आजम सुपर फ्लॉप। आईसीसी के टूर्नामेंट में तो कहीं नहीं चलते वो, और इस वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी जिनका सबसे घटिया परफॉर्मेंस है एज अ बैट्समैन, बाबर आजम उसमें आते हैं। शाकिब उल हसन 18 का उनका एवरेज है इस वर्ल्ड कप में, हालांकि शाकिब ऑलराउंडर के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। तेंबा बुआमा जो अपने कोटा के जरिए इस टीम का हिस्सा हैं और उसके जरिए खेलते हैं, जिनको कोई सीरियसली नहीं लेता, वो हैं। और इसमें बाबर आजम का नाम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर आजम से अच्छा एवरेज वर्ल्ड कप में रन बनाने का पैट कमिंस का है। पैट कमिंस का एवरेज 21.50 है, बाबर आजम का 20.50 है। बाबर ने इस वर्ल्ड कप में 5 रन, 10 रन, 50 रन और 18 रन बनाए हैं। सुपर, ये हार पाकिस्तान को चुभनी चाहिए और ये जीत का पूरा सहरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिर बनना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस बैक टू बैक हारती है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, परफॉर्मेंस निकल नहीं रही होती है। 1999 के बाद पहला मौका था जब 2 मैचेस हारे, 1992 के बाद पहला मौका था जब वर्ल्ड कप अगर ओवरऑल मिला ले 4 मैचेस हार के आए थे, लेकिन वो कमबैक करना जानते हैं। उन्होंने ये मैच जीता है और यही वजह है कि जो टीम 10वें स्थान पर पहुंच गई थी, 9th पर पहुंच गई थी, वो वापस टॉप 4 में आ गई है और पाकिस्तान को टॉप 4 से उसने बाहर कर दिया है, जो पाकिस्तान डिजर्व करता है। इस जीत का सहरा डेविड वार्नर के भरोसे जाएगा, कमाल की बल्लेबाजी, मतलब दिखाया कि फायर एक्चुअली होती क्या है, किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। इमाम उल हक को सीखना चाहिए कि जब आपको स्टार्ट मिल जाए तो कैसे उसे लंबा कन्वर्ट करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। यह जीत का सहरा जाना चाहिए एडम जैम्पा को, जिन्होंने 4 विकेट श्रीलंका के खिलाफ निकाले थे और 4 विकेट उस पिच पर निकाले हैं जो बल्लेबाजों के लिए जन्नत कही जाती है, और एक मैसेज दिया है पाकिस्तान टीम को भी कि बाबू तुम्हारी टीम में जो स्पिनर है ना, उनका मुकाबला मुझसे नहीं है, मेरा मुकाबला है युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज से जिसने चिन्नास्वामी में कहर भर पाया था, और मैं उसकी तरह गेंदबाजी करके विकेट निकालना जानता हूं। इस जीत का सहरा पैट कमिंस की कप्तानी को जाना चाहिए, जिन्होंने पैनिक नहीं किया बाबर आजम की तरह कि शुरुआत में रन बन गए तो क्या हो गया, हम रहेंगे, संभलेंगे, खेलेंगे, डटेंगे और मैच जीत कर जाएंगे। और एक टीम एफर्ट का असर है कि खराब फील्डिंग के बाद। खैर, पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड फिलहाल टॉप पर है, इंडिया नंबर 2 पर है। इंडिया न्यूजीलैंड का मुकाबला तय करेगा कि टॉप पर कौन बैठेगा। साउथ अफ्रीका 3 पर है, ऑस्ट्रेलिया 4 पर पहुंच गई है और पाकिस्तान 5 पर, इंग्लैंड 6 पर। पाकिस्तान का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है। मैं हैरान नहीं हूंगा कि अगर पाकिस्तान को कोई सरप्राइज पैकेट चेन्नई की पिच पर
अफगानिस्तान दे दी, क्योंकि अफगानिस्तान चेन्नई की पिच पर एक मैच खेल चुकी है और उस मैच में उसने जबरदस्त गेंदबाजी तो नहीं की थी, लेकिन वो समझ रहे हैं और उनकी गेंदबाजी स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट गेंदबाजी से किसी भी दिन किसी भी वक्त बहुत बेहतर है। बल्लेबाजी पाकिस्तान की भी बिट्स एंड पीसेस में है जो अफगानिस्तान की भी है। अगर शुरुआत में रहमानुल्ला गुरबाज चल गए, अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया, क्योंकि वहां भी इशू वही है कि वो पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग खेलते हैं। हालांकि इस मैच में हीरो वार्नर रहे जो मैन ऑफ द मैच बने, डेविड वार्नर लगातार रन बना रहे हैं और आईसीसी के टूर्नामेंट में इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने तीन बार 150 प्लस बनाया, 178, 166, 163, कोई और प्लेयर नहीं है। आज जो बल्लेबाजी की वो स्टैट्स कमाल की थे, वो परफॉर्मेंस कमाल की थी और शाहीन शाह अफरीदी की सारी मेहनत जो है उसे धीरे 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 पाकिस्तान ने बर्बाद किया। हालांकि जब मैच शुरू हुआ था तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत अंतर नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी जिस तरह से सीन एबॉट ने कैच ड्रॉप किया था, हमें लगा कि एक बार सवाल पूछ लेते कि बाबू तुम ऑस्ट्रेलिया हो, पक्का हो तुम ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग जो थी वो अपने टोन पर आई और मैच का नतीजा हम सब। खैर, अब स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक चेंज था। आज मौका मिला था उसामा मीर को, जिन्होंने आते ही इस मैच का सबसे बड़ा गुनाह किया, वार्नर का कैच 10 रन पर छोड़कर। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने किया, शफीक ने अपने रनों की भरपाई कर दी लगभग, लेकिन वो भरपाई नहीं कर पाए जो उसामा मीर ने की थी, और यही वजह रही कि पाकिस्तान के सामने धागा खोलने वाला जो बैटिंग थी वो वार्नर और मिचेल मार्च ने की। जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ताबड़तोड़ 163 रन बनाए डेविड वार्नर ने और 121 रन बनाए मिचेल मार्च ने। वार्नर ने कई रिकॉर्ड बना दिए, शतकों के मामले में रोहित से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, रनों के मामले में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, स्टाइल के मामले में अल्लू अर्जुन से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, वो हर तरफ से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। गजब के एंटरटेनर हैं, गजब के परफॉर्मर हैं। 9 छक्के उन्होंने मारे, 9 छक्का मिचेल मार्च ने मारे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम पैनिक कर गई, मैक्सवेल 1 रन, स्मिथ 7 रन, स्टॉइनिस 21 रन, इंग्लिस जो थे वो 13 रन, 8 रन लाबुशेन, 6 रन कमिंस और 2 रन स्टार्क। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आए, 5 विकेट निकाले। हारिस रऊफ उनके दम पर थोड़ा थोड़ा कवर करते नजर आए, जो कि एवरेज गेंदबाज है। उसामा मीर को मौका मिला था तो उन्होंने जी भर के रन लुटाए, कहा कि शादाब खान की कमी नहीं पूरी होने देंगे, 9 ओवर में 82 पिट गए। नवाज अपनी प्रेजेंस एग्जिस्ट कर लेते हैं कोने में छिप के, 7 ओवर में 43 रन दिए, बल्ले से भी छक्का मार दिया कि थोड़ा बहुत दिखाते रहे, बाकी काम तो उनको करना नहीं है। इफ्तिकार इस मैच में कोशिश गेंदबाजी में अच्छी की थी, बाकी हारिस तो पिटे पिटाए गेंदबाज, 8 ओवर में 83 रन, तो हसन अली तो दिखे ही नहीं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी जबरदस्त तरीके से थी, मिचेल स्टार्क को उन्होंने निशाने पर लिया, हेजलवुड को शुरू में थोड़ा सा पीटा 1 ओवर में, उसके बाद कमिंस भी शुरू में थोड़े महंगे थे, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया। हालांकि जबरदस्त शुरुआत थी, 61 बॉल पे 64 रन बनाए थे अब्दुल्ला शफीक ने और 71 बॉल पे 70 रन बनाए थे इमामुल हक ने। इमाम ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज आज बड़े रन बनाने में फेल हो गए। और जब आप 367 रन बन का पीछा करते 369, तो फिर आपको एक पार्टनरशिप चाहिए होती है बड़े मंच पर, या एक प्लेयर जो एंड तक लेकर जाए, वो पाकिस्तान से नजर नहीं आया। इसके बाद प्लेयर आए बाबर आजम, वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब स्टॉइनिस ने शुरू में 2 निकाले, बाबर आजम बहुत डिसअपॉइंट किया, 14 बॉल पर 18 रन, और हर बार आप एक ही तरह से आउट होते हो, मतलब इतने प्रेडिक्टेबल आप हो गए हो कि आप एक तरह से आउट होते हो, आई मीन दैट्स वेरी शेमफुल। बहुत प्रेशर ले लिया उन्होंने, अब वो जो मीम बनता ना काहे का किंग घंटे का किंग, एक्चुअली वो आज बोलने का मन कर रहा है। पाकिस्तानी फैन ऑफेंडेड होंगे या पाकिस्तानी फैंस को भी लग रहा होगा कि यार हमारा बंदा कैसा है। रिजवान पर भरोसा था, लास्ट तक ले गए रिजवान, लेकिन रिजवान का विकेट जब गिरा 40 ओवर में 274 पर, वहीं लग गया था मैच खत्म हो गया। साउथ शकील आड़े टेढ़े शॉट मार रहे थे, बिल्कुल क्लास नजर नहीं आई, अंधी खेल रहे थे और अंधी खेलने में जो लग जा रहा था वो चौवा छक्का चौवा हो गया, अदरवाइज नहीं था। इफ्तिकार भी लपेटा मार रहे थे, 2-3 छक्का मारे लपेट लपेट के, फिर एक में आउट हो गए। मोहम्मद नवाज एक छक्का मार के अपना कोटा पूरा कर रहे थे, उसामा मीर को पता नहीं लगा, शाहीन अफरीदी ने कोशिश की, बाकी टीमों को कोई मतलब नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान की शर्मनाक हार हो गई। और गेंदबाजी की बात की जाए, मिचेल स्टार्क ने एक विकेट निकाला, 22 मैच लगातार हो गए जहां पर वो हर मैच विकेट निकाल रहे हैं। हेजलवुड पहला ओवर महंगा होने के बावजूद ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल, 10 ओवर 1 मिडन 37 रन और 1 विकेट, अगर आप 367 पीछा कर रहे हैं आप कमाली गेंदबाजी करते हैं। पैट कमिंस थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरी डाली, 62 रन पे 2 विकेट निकाले, लेकिन हीरो जो थे वो एडन जैम्पा थे, 10 ओवर 53 रन 4 विकेट, और मार्कस स्टॉइनिस जिन्होंने शुरू में 2 ब्रेक थ्रू दिलाए, भले 5 ओवर में 40 गए लेकिन वो ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसकी वजह से मैच जो था वो पलट गया। पाकिस्तान इंडिया के सदमे से उभरा नहीं है, लगातार मैच हार रहा है, 62 रन से आज मैच हारा, इंडिया के खिलाफ एक शर्मनाक हार हुई थी, और अब कंधे झुकेंगे, सवाल बड़े खड़े होंगे, याद मोहम्मद आमिर और किसकी, इमाद वसीम की भी आएगी, क्योंकि आमिर को आप मिस कर रहे हैं।
अब आप मिस कर रहे हैं, आपके पास चैंपियन प्लेयर्स नहीं, और अब सवाल खड़े होंगे, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को प्रमोट कर दिया है, डी से बी कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद शाहीन इस वर्ल्ड कप बाबर आजम की कुर्सी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और बात करने से अब कुछ नहीं होगा। आप स्टेडियम में कह सकते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान बजाने से परफॉर्मेंस नहीं आते, परफॉर्मेंस के लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, लॉलीपॉप कैचेस ड्रॉप करने पड़ेंगे, और अगर कप्तान खुद कैच छोड़ता है और कप्तान खुद रन नहीं बना पाता है तो टीम के कंधे झुकने पर किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टॉप फोर में डिजर्व नहीं। दोस्तों मेरा नाम है वसीम अहमद और आप देख रहे हैं C4 क्रिकेट। तो दोस्तों ये था फुल रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने अपना चौथा मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, और अब बाबर आजम को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी पर, उसकी बैटिंग पर, कुछ भी अच्छा बाबर आजम के हक़ में नहीं जा रहा, और अभी पीसीबी की तरफ से एक इशारा भी मिला है जो कि सरफराज अहमद को कैटेगरी डी से हटा कर कैटेगरी सी में रखा गया है, तो चांसेस हैं कि अब दोबारा सरफराज अहमद को प्रमोट किया जाए और दोबारा उसको कैप्टनसी दी जाए, और बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में आ चुकी है, और अभी बाबर आजम के लिए काफ़ी एक बुरी खबर है, क्योंकि बाबर आजम बिल्कुल भी अच्छे रन से स्कोर नहीं कर रहे और काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। तो आई होप कि ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।